रिकी बात आपका स्वागत है। ख्वाजा साहब की दरगाह में सोमवार और मंगलवार आधी रात बाद पुलिस का सर्च अभियान शुरू हुआ। दरगाह को खाली कराने के बाद चप्पे चप्पे की तलाशी ली गई। करीब दो घंटे तक चली तलाशी में कुछ संदिग्ध युवक मिले। एक जेब तराश युवक को हिरासत में लिया गया। सोमवार रात 1:30 बजे दरगाह बाजार में अचानक पुलिस की हलचल बढ़ते ही दुकानदारों और खादिमों में खलबली मच गई। पुलिस ने दरगाह परिसर में मौजूद जायरीन को बाहर निकालने की प्रक्रिया शुरू कर दी। अचानक दरगाह में हुए सर्च अभियान की सूचना मिलते ही खादिम समुदाय के लोग भी जुट गए। हालांकि जोरंग कुछ जगहों पर पुलिस को जायरीन के विरोध का सामना भी करना पड़ा। पुलिस ने उन्हें समझाकर दरगाह से बाहर निकाला। इसके बाद पुलिस ने दरगाह के भीतरी हिस्से को खंगाला। सोमवार रात दरगाह परिसर को खाली कराने के दौरान एक महिला जायरीन ने विरोध कर लकड़ी का पट्टा उठा लिया। महिला ने पुलिस कर्मियों से कहा कि वो अपने आप को मार डालेगी लेकिन दरगाह से बाहर नहीं जाएगी। आखिरकार पुलिस अधिकारियों ने महिला पुलिस कर्मियों की मदद से पट्टा छीनकर महिला को बाहर निकाला। सूत्रों के मुताबिक जिला पुलिस समेत पुलिस मुख्यालय और केंद्र सरकार को लगातार दरगाह परिसर में अवैध गतिविधियों और संदिग्ध की पनाह लेने की शिकायतें मिल रही थी। SP कुंवर राष्ट्रदीप ने 2 अक्टूबर को खादिमों की संस्था अंजुमन शेख जागदान सैयद जागदान और दरगाह कमेटी के सदस्य की संयुक्त बैठक लेकर दरगाह सुरक्षा, जायरीन की सुरक्षा और समस्याओं पर चर्चा की। आपको बताते कि दरगाह में अब रात्रि में इबादत करने वालों को अपने साथ ID कार्ड भी रखना होगा, साथ ही दरगाह में चुनिंदा स्थानों पर बैठकर इबादत कर सकेंगे। पुलिस ने अंजुमन और दरगाह कमेटी से परिसर में रहने वाले संदिग्ध लोगों पर कार्रवाई करने के लिए सहयोग मांगा था। सुरक्षा की दृष्टि से रात्रि में आने वाले जायरीन का ब्यौरा रखने की बात कही गई। दरगाह की सुरक्षा को लेकर श्रीमान पुलिस अधीक्षक अजमेर के निर्देश पर दोनों अंजुमन के पदाधिकारियों, दरगाह कमेटी और दरगाह गंज थाने के जाब्ते को लेकर दरगाह के अंदर रात्रि में सुरक्षा की दृष्टि से चेकिंग की गई थी, जिसमें संदिग्ध बाहर के कोई लोग नहीं रह रहे हों इस बारे में और कोई असामाजिक तत्व किसी प्रकार की हरकत नहीं करे, इसकी सावधानी को लेकर चेकिंग की गई है। धार्मिक नगरी अजमेर में ख्वाजा गरीब नवाज की दरगाह पर अब देर रात्रि के अंदर पुलिस द्वारा सर्च अभियान चला जाता है। जिस तरीके से आप देख सकते हैं कि किस तरीके से लाखों की संख्या में यहाँ पर जायरीन आते हैं और हम खड़े हैं यहाँ पर दरगाह के निजाम गेट के बाहर, जहाँ पर काफ़ी संख्या के अंदर सुरक्षा के इंतजाम कर दिए गए हैं और लाखों की संख्या में यहाँ पर जायरीन आते हैं। तो जिस तरीके से रात को 1 बजे सुबह 4 बजे जो सर्च अभियान चला जा रहा है उसको लेकर काफ़ी चर्चाएँ बनी हुई हैं, क्योंकि जो खादिम है वो भी कहीं ना कहीं सपोर्ट करते हैं और जो दरगाह की कमेटियाँ हैं, दोनों तीनों कमेटियाँ हैं, वो भी इसका सपोर्ट कर रही है। क्योंकि एक इतनी तादाद में जायरीन आना और एक सुरक्षा के लिहाज से भी देखना पड़ता है कि एक बार इसका सर्च अभियान जरूरी है। हमारे हाथ हसन चश्ती जी मौजूद हैं। सर, किस तरीके से इसको सर्च अभियान को देखा जा रहा है? देखिए, ऐसा है जो यहाँ 2007 में अप्रैल घटना घटी थी, बम ब्लास्ट हुआ था, उसके बाद जो जिला पुलिस ने जो ये इंतज़ाम किए हैं पर्याप्त है। यहाँ पर हर गेट पर मेटल डिटेक्टर के साथ पुलिस लगी हुई है, यहाँ कोई असामाजिक तत्व नहीं आ सकता है। लेकिन फिर भी सुरक्षा की जहाँ तक बात होती है, देश की सुरक्षा की बात आती है, धार्मिक नगरी की सुरक्षा की बात आती है, धार्मिक स्थान की सुरक्षा की बात होती है, तो हम सब उनका सहयोग कर रहे हैं, हमारी पूरी कमेटी उनका सहयोग कर रही है। और मैं ये कहता हूँ कि किसी हर तरह के लोग यहाँ आते, 36 कौम के लोग यहाँ आने आते, सबकी भावनाओं को ध्यान रखते हुए सुरक्षा की दृष्टि से सुरक्षा होनी चाहिए और जल्द से जल्द होना चाहिए, सुबह होना चाहिए, शाम होना चाहिए, बीच रात के अंदर होती है तो उसमें एक हड़कंप सा मचता है, क्योंकि जायरीन यहाँ इबादत करते हैं, लोग नमाज़ें पढ़ते हैं, विशेष इबादतें करते हैं, तो उसको एक टाइम टेबल देख करके, एक सूचित करके कि बड़े बड़े बैनर होर्डिंग लगाएं या किसी मीडिया के तहत उसका अलाउंस किया जाए कि भाई इस तरीके से यहाँ सुरक्षा दृष्टि हो रही है, जो हड़कंप की स्थिति होती है वो पैदा ना हो, हड़कंप की स्थिति पैदा ना हो, ऐसा कहना है हमारे यहाँ पे अजमेर खादिमों का, कि क्योंकि जो लाखों की संख्या में जायरीन आते हैं और उनका सुरक्षा के लिहाज से जिस तरीके से ये रात्रि में 2 दिन से सर्च अभियान चला जा रहा है उसको देख यही लगता है कि पुलिस अब सुरक्षा के इंतजाम पुख्ता करने में लगी हुई है, क्योंकि अजमेर ही नहीं और भी कई जगहों पर ऐसे इंतजाम किए जा रहे हैं और दिन में 24 घंटे में 1 बार पूरी दरगाह को खाली करा के जायरीनों को बाहर निकलवा कर रात्रि 1 बजे से सुबह 4 बजे तक दरगाह का सर्च अभियान चलाया जाता है, उसके बाद खादिमों को प्रवेश दिया जाता है। अजमेर से कैमरामैन त्रियाराम के हाथ शुभम जैन, फर्स्ट इंडिया।